पानीपत ग्रामीण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महिपाल ढांडा ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें गांव सोधापुर, विर्क नगर, वृंदा एनक्लेव समेत सेक्टर 25 में भी दौरा किया। यहां पर उनको एक बार फिर तमाम लोगों ने आश्वासन दिया है कि तीसरी बार भी हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा से महिपाल ढांडा को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। वहीं महिपाल ढांडा लगातार जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से डोर टू डोर जाकर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का आकलन भी कर रहे हैं। वे बड़ी ईमानदारी से भी कहते नजर आते हैं कि काम जो पेंडिंग है उनको आने वाली सरकार में करवा दिए जाएंगे। पिछले 10 सालों में पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जो भी क्षेत्र में समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ क्षेत्र से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसके बाद इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ से खड़े विपक्ष के बहुत सारे उम्मीदवारों को उनके प्रति कहने को कुछ नहीं है। वहीं महिपाल ढांडा अपनी जीत को लेकर लगातार पानीपत ग्रामीण विधानसभा में दिन रात मेहनत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पानीपत ग्रामीण में इस बार जनता किसे जिताकर विधानसभा भेजती है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कॉलोनी के लोगों की चिंता ही नहीं की, सदा उनका गला घोटा है। अगर ये आदमी एक ट्यूबवेल लगवाने के लिए भी जाते थे तो ये धमकी दे देते थे कि तुम तो ट्यूबवेल लगाने की बात कर रहे हो पीने के पानी के लिए, हम तो तुम्हारा बुलडोजर लेके कॉलोनियों को घेरेंगे। तब मैंने अड़के कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों, अगर तुम्हारे बुलडोजर में हिम्मत है ना तो आप कॉलोनिया में आओ, पहले ढांडा की लाश के ऊपर को गुजरना पड़ेगा, समझे। और ये लोग अभी भी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनके जो दलाल घूमते हैं ना सारी जगह, वो दलाल अभी भी लोगों को धमकी दे रहे हैं कि ये जो कॉलोनी वैध है ना, इसको हम लोग अवैध बनाएंगे और अवैध बनाकर तुम्हारी कॉलोनियों को घेरेंगे। कई जगह उन्होंने धमकी दी है। ऐसे कांग्रेस के नेताओं को बताना चाह रहा हूँ मैं, शरारतों से बाज आ जाओ और हमारे लोगों को ये धमकी देने की जरूरत नहीं है। हमें पता सारी कॉलोनी तुम ही लोगों ने काटी और तुम लोगों ने कॉलोनी काट के गरीब आदमियों को ठगा, ना उनको पानी दिया, ना उनको बिजली दी, कुछ भी नहीं दिया। सीधे सीधे कॉलोनाइजर ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, इन लोगों ने गरीब आदमी की भावनाओं का कत्ल किया है और अब उनको धमका रहे हैं। अब ये कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है ना, इसको मैं चलने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाएंगे महिपाल ढांडे ने, और मंत्री बनाएंगे, 1,00,000 वोटों से जिता करके ग्रामीण हल्के से उसको भेजेंगे। ये हमारा वादा भी है और ये हमारा दावा भी है और ये हमारी मेहनत भी है, ये हमारा विश्वास भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।